जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे कि किस तरह माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध की, महिषासुर वध की पौराणिक कहानी क्या है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में इस कथा को पढ़ने या सुनने से माँ अम्बे की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए दोस्तों, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्री दुर्गा पाठ से संबंधित इस कहानी को सुनते हैं। दोस्तों, पूर्व काल में देवताओं और असुरों के बीच लगभग 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध चलता रहा। उस समय असुरों का राजा महिषासुर और देवताओं के राजा इंद्र थे। उस भयंकर युद्ध में देवताओं के राजा को अर्थात इंद्रदेव को असुरों से हार का सामना करना पड़ा। अब महिषासुर ने जैसे ही देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली तो वह देवलोक के राज सिंहासन पर बैठकर स्वयं को राजा इंद्र मान बैठा और सारे देवलोक पर राज्य करने लगा। हारे हुए देवता रोते हुए और निराश टूटे हुए दिल से ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से महिषासुर की विजय और अपनी हार की कहानी सुनाई। इसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु से कहने लगे, हे प्रभु, अब तो आप ही हमें बचा सकते हैं। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, वायु, चंद्रमा, यम और वरुण तथा अन्य सभी देवताओं को पराजित कर दिया है। देवताओं की करुण कहानी सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव को उन असुरों पर बहुत क्रोध आया। उस क्रोध के कारण विष्णु जी के शरीर से एक भयंकर तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा और शिवजी के शरीर से भी तेज निकलने लगा, जो भगवान विष्णु के शरीर से निकले तेज के साथ मिल गया और देखते ही देखते उन सारे तेज ने एक दिव्य कन्या का रूप धारण कर लिया। भगवान शिव के तेज से देवी का मुंह प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर पर बाल उगे। भगवान विष्णु जी की कृपा और तेज से भुजाएं उत्पन्न हुई। इंद्रदेव के तेज से शरीर का मध्यम भाग प्रकट हुआ और पृथ्वी के तेज से नितंब का भाग तैयार हुआ। इस तरह देखते ही देखते वह कन्या महाशक्ति बन गई। तब सभी देवतागण इस महाशक्ति को देखकर बहुत खुश हुए और उस शक्ति की जय जयकार करने लगे। इसके बाद भगवान शिव ने उस देवी को त्रिशूल प्रदान किए, भगवान विष्णु जी ने चक्र दिए और भगवान विश्वकर्मा ने बहुत से अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इसके बाद भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और भगवान शिव ने उस देवी को आशीर्वाद दिए कि जाओ, हम तुम्हें इस संसार की महाशक्ति होने का वरदान देते हैं। इस शक्ति में सदा हमारी शक्ति रहेगी जो अजेय होगी। इसकी उपासना देव लोक में ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में होगी। उस भगवती को सवारी के लिए पर्वतराज हिमालय ने एक भयंकर सिंह दिया। इसके बाद सभी देवगण शेर पर सवार शक्ति के साथ उस पापी महिषासुर से युद्ध करने के लिए चल पड़े। देवी के शेर के साथ साथ ही राजा इंद्र अपने एरावत हाथी पर बैठकर चल रहे थे। उनके पीछे सभी देवता नए जोश और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने लगे। अब महिषासुर ने जैसे ही शेर की दहाड़ और हाथियों की चिंघार सुनी और साथ ही देवताओं की विशाल सेना को अपनी ओर आते देखा तो उसे यह एहसास हो गया कि यह लोग अवश्य ही उस पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही महिषासुर ने शेर पर सवार सुंदर कन्या को देखा, जिनके अनेक भुजाओं में अनेक शस्त्र थे और माथे से एक विचित्र सा प्रकाश निकल रहा था, अब उस दिव्य कन्या को देखकर महिषासुर सोच में पड़ गया कि वास्तव में यह कोई विचित्र शक्ति है और यह देवता इस शक्ति को साथ लेकर मुझसे युद्ध करने आए हैं। उसी समय महिषासुर अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहता है, हे वीर सैनिकों, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। देवता हम पर पुनः आक्रमण करने आए हैं। हमने यह इंद्रलोक अपनी शक्ति से जीता है और तीनों लोकों के हम राजा हैं।
हमें स्वर्ग पर अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए देवताओं को पुनः हराना होगा। अब असुरों की भयंकर सेना अपने राजा का आदेश पाकर उसी समय देवताओं की सेना पर टूट पड़ी। दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा। असुर सेना पहले देवताओं को पराजित कर चुके थे, इसलिए वह बड़े उत्साह से लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ देवी अपनी हजारों भुजाओं के साथ असुर सेना को काट काट कर फेंक रही थी। असुरों के हजारों सैनिक देवी के एक ही वार से कटकर धरती पर गिर जाते। अब महिषासुर ने जैसे ही अपनी सेना को कटते देखा तो वह क्रोध से पागल हो गया। उसने तुरंत अपने सेनापति उदग्र महादैत्य को 60,000 रथों की सेना देकर लड़ने के लिए भेजा। उसके साथ ही 1,00,000 रथियों को साथ लेकर महाहनु नाम का भयंकर सेनापति दैत्य युद्ध के लिए चल पड़ा, और उन दोनों की सहायता के लिए 1,00,000 असुरों की सेना लेकर असिलोमा नाम का सेनापति भी युद्ध के लिए चल पड़ा। असुरों की इस भयंकर सेना को देखकर एक बार तो देवताओं की सेना घबरा गई, लेकिन उस महाशक्ति देवी को असुरों की विशाल सेना देखकर और अधिक क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर हजारों भुजाओं से उन्हें काट कर फेंकने लगी, और उनका शेर भी असुरों को मारने लगा। यह देखकर देवताओं का डर भी समाप्त हो गया। इसके बाद चिक्षुर नाम का एक महान असुर जो महिषासुर का सेनापति था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा और अपने सैनिकों से कहा, तुम सब लोग इकट्ठे होकर इस अकेली कन्या पर टूट पड़ो, यह औरत जात हमसे क्या लड़ेगी। अब एक साथ हजारों असुर भयंकर शस्त्रों के साथ देवी पर टूट पड़े, परंतु अकेली महाशक्ति ने सबको काट काट कर धरती पर ढेर लगा दिया। असुर अपनी सेना का इस तरह विनाश होता देख कांपने लगे और मन में विचार करने लगे, यह एक कन्या है लेकिन इसमें इतनी शक्ति कैसे है, यह अवश्य ही कोई बड़ा चमत्कार है। रणभूमि में असुरों से युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने श्वास छोड़े थे वे सभी तुरंत हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए, और परशु भिंदीपाल तथा खड़ग से शत्रुओं का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से पैदा हुए वे गण असुरों का नाश करने लगे। असुरों के बड़े बड़े वीर योद्धा दम तोड़ दिए। हजारों जख्मी होकर धरती पर तड़प तड़प कर कह रहे थे, यह कन्या तो मृत्यु की देवी है। चारों ओर असुरों की लाशें बिछी पड़ी थी। जगदम्बे ने असुरों की विशाल सेना को कुछ ही क्षणों में नष्ट कर दिया, और अपने मुख से भयंकर आग निकालकर मृतक असुरों को भस्म कर दिया। इसके बाद महिषासुर के सेनापति चिक्षुर से काफी समय तक देवी का युद्ध हुआ, और अंत में माँ भगवती ने अपने त्रिशूल से चिक्षुर के 2 टुकड़े कर डाले। जब अपने सेनापति के मृत्यु की समाचार महिषासुर को पता चली तो वह क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक कन्या के हाथों इतने बड़े बड़े वीर दम तोड़ जाएंगे। कुछ क्षणों के लिए तो महिषासुर को ऐसा लगा जैसे उसकी मृत्यु उसके सामने एक कन्या का रूप धारण करके सामने खड़ी हो, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके एक विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए चल पड़ा। असुरों की विशाल सेना और महिषासुर को आता देख देवी प्रसन्न हो गई, क्योंकि उन्हें तो महिषासुर का ही वध करना था। महिषासुर और देवी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर कभी भैंसे का रूप धारण करता तो कभी खड़गधारी बनकर युद्ध करता, लेकिन देवी महाशक्ति के आगे उसकी सारी माया धरी की धरी रह गई। अंत में देवी माँ ने तलवार से महिषासुर का गर्दन काटकर अलग कर दिया। महिषासुर के मरते ही असुर सेना रणभूमि छोड़कर भाग खड़ी हुई। देवताओं की विजय हुई, असुरों को देवलोक छोड़कर भागना पड़ा। देवराज इंद्र को जगदम्बे ने फिर से देवलोक वापस दिला दिया। तब देवराज इंद्र
अपने सिंहासन पर बैठकर जगदम्बा का गुणगान करने लगे। तो दोस्तों, इस तरह माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके स्वर्ग लोक को असुरों से मुक्त किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिएगा, जय माँ जगदम्बे।